हेलो एवरीवन, मैं अमित और आप सभी का स्वागत करता हूं भाटी फिटनेस ज्ञानी में। आज मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके आपने देखा होगा, जो आपकी फिंगर है उसके साइड में जो आपकी स्किन है वो एकदम से उतरने लग जाती है। और कई बार क्या होता है कि हम जब कहीं पर भी बैठे हुए होते हैं तो हम अपने नेल्स को या तो खाने लग जाते हैं या फिर अपने साइड में जो हमारी जो फिंगर है उसके साइड की जो स्किन है उसको हम हाथ से निकालने लग जाते हैं। कई बार मजे मजे में हम निकाल तो लेते हैं मगर वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है हमारे लिए और कई बार वो पकने की भी संभावना हो जाती है, जिसके कारण हमें फिर डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है। आप अपनी स्किन को किस तरीके से ठीक रख सकते हैं, अपनी स्किन को किस तरीके से उतरने से बचा सकते हैं? कई सारे लोग कहते हैं कि अगर आप तांबे का छल्ला पहन लेते हैं तो उससे आपकी स्किन के जो ऊपर का पार्ट है वो नहीं उतरता, मगर ऐसा नहीं है। मगर हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों को मानते हैं और कई बार हो भी जाता है वो ठीक। मगर मैं आपको एक कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिन्हें आप घर पे रह के करके आप अपनी स्किन को उतरने से बचा सकते हैं, जो साइड में फिंगर के कॉर्नर पे जो उतरने लग जाती हैं और आपकी जो फिंगर है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखने लग जाएगी। तो सबसे पहली जो रेमेडी है, जो चीज़ बता रहा हूँ मैं, वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल को अगर आप यूज़ करते हैं, एलोवेरा जेल को लेना है और उसके साथ में आपको एवियन 400 mg जो कैप्सूल आता है विटामिन ई का, आपको उसे अच्छे से ऐड करना है, दोनों को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको उसे धीरे से रात के टाइम पर, आपको दिन में उसे नहीं लगाना है, आपको नाइट में ही आपको उसे लगाना है, और साइड में आप कॉटन की हेल्प से उसे टैप कर सकते हो। ऐसे जिस भी फिंगर में हो रहा है लगाने के लिए आप पूरे फिंगर में लगा सकते हो, मगर आपको जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है उस जगह पर आप उसे लगा सकते हैं। इससे आपकी जो स्किन है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी और जो आपकी स्किन उतरती है वो भी कहीं ना कहीं उतरना बंद हो जाएगी। उसके बाद जो सेकंड है, सेकंड में आपको क्या करना है, कोकोनट ऑयल लेना है, आपको नारियल का तेल लेना है और नारियल के तेल को थोड़ा सा लेना है और उसके बाद कॉटन की हेल्प से आप उसे भी लगा सकते हैं। इससे भी आपकी जो स्किन उतरने लग जाती है, आपके साइड में जो स्किन होती है उन स्किन को निकलने से आप बचा सकते हैं, मगर उसे आपको ओवरनाइट छोड़ देना है लगाकर। इससे क्या होगा कि जब आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, जब कोकोनट ऑयल उसके ऊपर लगाओगे, नारियल तेल जब उसके ऊपर लगाओगे, तो आपकी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और वो अपनी जगह से हिलेगी नहीं, मतलब हिलने का मतलब ये है कि उतरेगी नहीं। तो ये हो गया हमारा सेकंड। उसके बाद जो थर्ड है, कई बार आपने देखा होगा कि जो ओट्स होते हैं उन्हें हमने देखा है कई बार कुछ चीज़ें पक जाती है, जो हमारे देशी नुस्खों में कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो नाना नानी हैं, वो हमें बताते रहते हैं आपको क्या करना चाहिए। हम जब हमारी उंगली पक जाती है उस टाइम पर हम सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर अगर कोई ऑप्शन नहीं मिलता तो हम अपने पेरेंट्स से उसके बारे में बात करने लग जाते हैं। हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि आप गेहूं जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है आपके लिए, आप उसे हल्का सा मुंह में रखें और उसके बाद उसे निकालने के बाद आप उस पर लगा सकते हैं। ऐसी जो ओट्स हैं, ओट्स का अच्छे से पेस्ट बनाना है आपको और पेस्ट को बनाने के बाद आपको उसके ऊपर लगा देना है, जहाँ जहाँ आपकी फिंगर पर वो खाल निकल रही है, जो स्किन निकल रही है उसके ऊपर आपको इस तरीके से उसका रोल बना के, जैसे आटे की लोई बनाते हैं उस तरीके से बनाना है और इसे लगाकर छोड़ देना है और एक दो बार उसके ऊपर पानी डाल देना है, ताकि वो सूखने के बाद एक या दो बार जब वो सूख जाएगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, आपको एक दो बार लगाना है और उसके बाद उसे थोड़ा सा गीला कर लेना है ताकि उसकी सॉफ्टनेस बनी रहे। देखोगे आप 2 या 3 दिन के अंदर आपकी जो स्किन उतर रही थी ना वो उतरना बंद हो जाएगी और इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और जो मैंने ये चीज़ें बताई हैं आप इन्हें कहीं पर भी, आपकी स्किन अगर इस तरीके से उतर रही है तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपको 2 या 3 डेज के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक मॉइस्चराइजर का काम करती है और मॉइस्चराइजर का मतलब ही यही है कि आपकी जो स्किन है उसको सॉफ्ट रखना, वो चाहे फेस हो या फिर हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट की कोई भी स्किन हो। तो कोकोनट ऑयल, आप लोगों को वैसे भी पता होगा कि कोकोनट ऑयल जो है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है, साथ में एलोवेरा जेल बहुत अच्छा होता है और विटामिन ए के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि विटामिन ई जो है वो आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो बस आज की वीडियो में यही था। बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा था कि सर इसके लिए हम क्या करें, तो मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बना दूँ। तो बस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बट उससे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं
तो मेरे चैनल को आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, जो लोग नए हैं उन लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।